गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ सुबह के बज रहा है 7:30 अभी, और मैं आज बना रही हूँ पकौड़ी। तो युवराज को स्कूल जाना था, तो युवराज बोला मम्मा आज मेरे लिए पकौड़ी बना दो, तो मैं पकौड़ी लेके जाऊँगा। तो मैं पकौड़ियाँ यहाँ बना रही थी, और मैं नहा धो तो ली थी सुबह सुबह, सारे काम फिनिश हो गए थे, और फिर मैंने यहाँ पर युवराज के लिए पकौड़ियाँ ही बनाने लगी। अभी नहा के आई थी, तो अभी मैंने बालों में कंघी अंगी भी नहीं की थी। तो इसको स्कूल जाना रहता है, युवराज को वही 8 बजे, 8:30, 8 तक जाते हैं, 8:30 का स्कूल है इनका। तो अभी 3-4 दिन ही हुए हैं स्कूल खुले हुए, तो वैसे मेरा मन नहीं था भेजने का स्कूल इनको, युवराज को, और उसके पापा भी बोल रहे थे कि नहीं भेजना है। लेकिन इनके स्कूल में क्या है, ऑप्शन नहीं रखा था कि ऑनलाइन ऑफलाइन वाला। वैसे काफ़ी स्कूलों में है ऐसा ऑप्शन कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो जैसा पढ़ना चाहे, लेकिन अब जब स्कूल खोल दिए गए हैं तो फिर बच्चों का वर्क छूटता है। तो वो रो रहा था, कह रहा था नहीं मेरा वर्क छूट जाएगा, मुझे जाना है। तो भेजते हैं, लेकिन वही है कि डर तो रहता ही है। उसको मास्क पहना के सैनिटाइजर लेके जाता है, उसको अच्छे से समझा ही दिया है कि बेटा मतलब मास्क भी नहीं निकालना, और हाथ सैनिटाइज करते रहना, और बार बार हाथ धोते रहना, ये सब। तो वही है, लेकिन अभी भेज रहे हैं क्योंकि बच्चों का वर्क छूट जाता है, वो 5th क्लास में है, तो वर्क छूट जाएगा तो फिर करना आसान नहीं होता है जल्दी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जाने के लिए उसको भेज दिया है, तो अभी जाता है। तो वही आज पकौड़िया उसके लिए बना रही थी मैं। मैंने कहा कि चलो पकौड़ी बना देते हैं, और युवराज तैयार हो रहे हैं, नहा लिया है वो, नहा के तैयार हो गया है, और ये दिखवाया था तो मैंने तो अपना पकौड़ी खाने लगा था। मैंने कहा एक दो खा लो, घूम जाओ, एक ही खाई थी, बोल रहा था नहीं मैं स्कूल में टिफिन में लगा दीजिए मेरी, मैं लेकर जाऊंगा। और तो अभी स्कूल खुल गया, तो अभी काफ़ी 2 साल के बाद जब से बंद है तब से खुला है, तो शौक है अभी उनको जाने का, तो खुश होके जाते हैं और अपना खुद ही नहा के तैयार हो जाते हैं अपने आप से ही। तो उनको तैयार नहीं करना पड़ता, नहीं तो पहले तो तैयार करना पड़ता था इनको। तब 2 साल भी हो गए, तो थोड़ा बड़ा भी हो गया है। तो अब ये देखिए इनके पापा लेके जाएंगे, तो वो भी तैयार खड़े हुए हैं, बाइक से छोड़ देंगे, क्योंकि क्या है ना कि बच्चों का बैग इतना भारी हो जाता है तो उठाने से नहीं उठता है। कल मैं छोड़ने गई थी तो मुझको काफ़ी परेशानी हो रही थी इनका बैग लेने में, वो खुद लेता तो उसको भी दर्द होता है। तो वापसी में तो लेकिन चला आता है, लेकिन पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है उसका स्कूल, काफ़ी बैग भारी हो जाता है। तो बाइक से छोड़ देंगे हस्बैंड, वही चला जाएगा, तो खुश भी रहता है, कहता है पापा बाइक से छोड़ देंगे तो पैदल नहीं चलना पड़ेगा, ना आप जाओगे तो पैदल चलना पड़ेगा, बैग भी बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने कहा चलो पापा ही छोड़ देंगे, तो अपना वो तैयार होके बैग वैग सब लगा लेता है, सुबह तैयार भी हो जाता है मॉर्निंग में। तो अपनी पूरी तैयारी में है, मास्क पहन के। तो यहाँ देखिए बाई कर रहा है युवराज, और ये देखिए अपना बैठ के जा रहा है। तो फिर वही 12:30 पे छुट्टी होती है, सुबह 8:30 से 12, 6 पीरियड ही लग रहे हैं अभी, टाइम तो कम है स्कूल का, लेकिन फिर भी अभी खुल गए हैं और ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं, तो मुझे मजबूरी में इनको भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर मेरा खाना पीना सब हो गया था, और इब्राज भी आ गए थे खा के, तो फिर मैं सो गई थी खाना वाना खाने के बाद। और फिर मैं उठ के मैंने पहले चाय बनाई थी, और उसके बाद फिर ये बर्तन जो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, बाकी किचन तो साफ कर लिया था, और बर्तन रख दिए थे मैंने, कहा बर्तन फिर बाद में धुलूंगी, तो अभी थोड़ा मन भी नहीं था उस टाइम काम करने का, तो ये बर्तन रखे थे। तो मैंने कहा अब चाय वाय पी ली है, अब इसको बर्तन को भी धुल लेती हूँ। तो यहाँ काफ़ी बर्तन हो जाते हैं जब रख दो, तो फिर दूध दूध गर्म करो, दूध की भगोनी और वो सब सारे बर्तन हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे बर्तन रहते हैं। तो फिर यहाँ मैंने सारे बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने यहाँ किचन में जो पानी थोड़ा सा क्या है ना कि सिंक अभी मेरी ज़्यादा मतलब ढलान पर नहीं है, ऊँची है, स्लिप ऐसी है ना, तो स्लिप से सिंक ऊँची पड़ती है तो उस पर पानी फैल जाता है, जैसे बर्तन वर्तन रख दो तो काफ़ी पानी हो जाता है ना, तो वही मैं यहाँ पानी पोंछ रही थी और साफ़ कर रही थी पानी को, तो कितना भी हो तो हो जाता है थोड़ा बहुत पानी, पानी फिर वो साफ कर देते कपड़े से लेके, तो अच्छे से और अभी किचन का भी काम रखी है, जब काम होगी स्लिप लिप लगवाऊंगी तो वो थोड़ा सा लेवल पे आ जाएगी, जो भी सिंक है तो सिंक अभी ऊँची पड़ जाती है और वो नीचे रह जाता है जो स्लिप है उसकी, तो सिंक का स्टील है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, और मैं यहाँ पोंछ के वो कपड़ा फिर उसको नल के हत्ते पे टांग देती हूँ, तो वहाँ ये सूख जाता है।
तो फ्रेंड्स, अब मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। मैंने दोपहर में बर्तन छोड़ दिए थे, तो अभी शाम को मैंने चाय बनाई। चाय के बाद फिर मैंने बर्तन वर्तन धुले, तो अभी किचन का सारा काम हो गया। और आज मुझे थोड़ा पेट में दर्द भी लग रहा था, तबीयत थोड़ी सी नहीं ठीक लग रही थी, तो फिर मैंने अभी धुले। और अभी शाम का बज रहा है 5, और मेरा सारा काम फिनिश हो गया। और अब मैं शाम के खाने की तैयारी करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा बस यही ब्लॉग था। और फ्रेंड्स, प्लीज मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कमेंट भी भेजिएगा। आपके जैसे भी कमेंट हो, जो भी कमियां हो मेरी, वो भी बताइएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।